तो भाई जा रहे हैं डीएवी स्कूल साहिबाबाद में। आज इंग्लिश का पेपर है बच्चों का, तो रिएक्शन लेने जा रहा हूँ मैं। और देखते हैं बच्चों का पेपर कैसा हुआ, भगवान करे अच्छा पेपर हो। बच्चों से ज़्यादा फिक्र तो मुझे रहती है, पता नहीं क्यों इतना चिंता रहती है मुझे। वैसे इंग्लिश का पेपर है पहला, तो इतना बच्चों को लगेगा नहीं, पर पेपर सब्जेक्टिव हैं और काफ़ी टाइम के बाद बच्चे लिखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। हालाँकि CBSE बहुत ज़्यादा लीनियंट है। चलो देखते हैं बच्चे कितने मिलते हैं। और मैं मास्क लगा देता हूँ। सो हमें DAV स्कूल साहिबाबाद पर अभी बच्चे आने वाले हैं और बच्चों से पूछेंगे उनका पेपर कैसा हुआ है। और फिलहाल मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये है लिस्ट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीन फ्लोर पे यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम है, रोल नंबर कहाँ है, कितने से कितने रोल नंबर कहाँ पर है, सब कुछ बढ़िया कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो सब लोग यहीं कोशिश कर रहे हैं कि धूप के बचते हुए पेड़ों के नीचे खड़े हैं। पेरेंट्स हैं सर, आप भी पेरेंट हैं सर? बच्चे भी लेने हैं? हाँ, 10th क्लास का बच्चा। हाँ, तो ये भी 10th के बच्चे के पापा हैं और सभी अंकल जी खड़े हैं वहाँ पर। तो धूप में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ और भी पेरेंट हैं। आपका बच्चा है, पोता है? पोती है जी मेरी, 10वीं क्लास में जी। तो वो कौन से स्कूल से आई है यहाँ पर? ये स्वामी विवेकानंद से। अच्छा, सेंटर यहाँ लगा उनका? जी हाँ। तो कुछ स्कूलों का सेंटर तो स्कूल में रहा है, कुछ का बाहर गया है। हाँ जी। कौन से स्कूल के बच्चे हो? स्वामी के। अरे स्वामी के बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं। पेपर कैसा था? सही है, इजी था। इजी, मीडियम, टफ? मतलब मीडियम था। और लेंथी था? ना, इतना ना था। कितनी देर में कर लिया था आपने पेपर? डेढ़ घंटे में। डेढ़ घंटे में? स्वामी के बच्चे होशियार रहते हैं। और कुछ कहना चाहोगे बच्चों का, क्या स्टाइल रहेगा आगे तैयारी करें बच्चे? आगे तैयारी करेंगे बस। पेपर ट्रिकी आ रहा है? हाँ, थोड़ा ट्रिकी आ रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे? नहीं नहीं, घुमा फिरा के दे रहे हैं। घुमा फिरा के दे रहे हैं, ये देख लीजिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा तैयारी करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप भी बोल दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो आओ बेटा, इधर आओ बेटा, आप भी आ जाइए। पेपर कैसा हुआ बच्चे? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, आपका कैसा हुआ? तुम यहाँ जाओ। सुनो, पेपर लेंथी था या ठीक था? ठीक था। ठीक था, आपको कैसा लगा? बस एक सेक्शन डी लेंदी था और सारा ठीक था। अरे सेक्शन डी टफ बता रहे हैं बच्चे, सब बात सच है? नहीं आठ टफ था, क्योंकि चार नंबर में तुम्हें डेढ़ पेज का लिखना था। चार नंबर में डेढ़ पेज का लिखना था? हाँ, इतना ही बड़ा लिखना था। कौन से स्कूल के आप? स्वामी? अच्छा, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस। तो जो अभी पेपर बच्चे देंगे आगे, आपको इस बार क्या सिस्टम लगा? CBSE में चेंज लगा कुछ? ट्रिकी पेपर था? हाजी हाँ, अच्छा था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए अच्छा था। तो आपको तो फुल नंबर आ जाएंगे। हाँ। कितने नंबर का पेपर किया आपने पूरा? हाँ। क्या नाम है? हिती। स्कूल का नाम? स्वामी विवेकानंद। हिती ऑल द बेस्ट, हमारा चैनल है एग्जाम जानकारी, वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो अपनी एग्जाम। कैसा हुआ? सर बढ़िया ही गया था। सेंट थॉमस, तुम तो बड़े स्टाइल में आ रहे हो, ये तो उधर देखो, देखो कैमरा। अब बढ़िया ही गया था बस, उससे मेरा बस पैसे रह गया बस एंड का। रह गया? हाँ। छूट गया पेपर? हाँ हाँ, बस पाँच नंबर का छूट गया। पेपर लेंदी आया क्या? हाँ लेंदी तो आया था, टाइम नहीं मिला। चलो ऑल द बेस्ट, आगे और तैयारी करो बढ़िया, ठीक है? लेंदी था या मतलब आसान था? सारा कर दिया। और ट्रिकी पेपर था या नॉर्मल पेपर था? ट्रिकी था, पैसेज। चलो तो बच्चे तो आसानी बता रहे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं। बेटा आपका पेपर कैसा हुआ? सेंट थॉमस। पेपर इजी था, लेंदी था, टफ था? इजी था। और पूरा कर दिया आपने? हाँ। ये छूट गया? नहीं पूरा हुआ। पूरा कर दिया। अच्छा, अभी जो इस बार जो पेपर हो रहे हैं उसमें कोई ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चन? मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है? सिंपल सिंपल। आराम से कर दिया आपने। कितनी देर में हुआ सवाल आपका पूरा? एज अ जब बेल बजा तभी खत्म हुआ है। चलिए, तो बच्चों के पेपर इजी आ रहे हैं, बच्चों ने कहा कि हमारे पेपर आराम से हो रहे हैं, तो इतना कोई ज्यादा इंग्लिश का पेपर था? इजी था, टफ था? इजी था। इजी था, पूरा कर दिया? हाँ पूरा कर दिया। और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। पेपर कैसा हुआ आपका? अनुराग त्यागी सर। हाँ इधर आ जाओ। पेपर कैसा हुआ बेटा? इजी टफ? अच्छा अच्छा आ गया। बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ वाज योर क्वेश्चन पेपर? हाँ पेपर इजी, टफ, मीडियम? इजी था। पूरा कर दिया? हाँ। एक दिन छोड़ा? नहीं। ट्रिकी आया? नहीं। तो बच्चों को इजी लग रहा है, आपका कैसा हुआ? पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। पेपर दिखाओ। अच्छा, तो स्कूल वालों ने पानी वानी फैसिलिटी पूरी थी? हाँ, पानी आया था क्लास में। सैनिटाइजर? हाँ। सब कुछ बढ़िया था? पूरा पेपर कर दिया आपने? हाँ। आप स्वामी से हो? हाँ। आप कौन से स्कूल से हो? स्वामी। चलिए ऑल द बेस्ट दोनों बच्चों को। थैंक यू।
बच्चे अपने स्कूल सेंट थॉमस के बच्चे सारे तो ये सेंट थॉमस के स्टूडेंट्स हैं सारे और बड़े जोश में लग रहे हैं बच्चे बच्चे बता रहे हैं पेपर में टाइम की कमी थी बस सच है नहीं कमी तो नहीं थी पता नहीं सर कैसे कमी अपना अपना नाम बताओ मेरी कमी राहुल कार्तिक प्रणव समीर ओझा अजित निखिल रूप बैसला नितिन नागपाल तो पेपर इजी मीडियम टफ एक लाइन एक वर्ड बताना इजी Easy था पर टाइम नहीं था टाइम कब मिला टाइम कब था Easy medium type Easy या medium Easy था medium ही है Easy था पर थोड़ा टाइम कम Easy था लेकिन टाइम बहुत कम अच्छा स्कूल का इंतजाम कैसा था जैसे पानी सैनिटाइजर वगैरह सब सही था कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत चीटिंग हुई थी नहीं चीटिंग नहीं हुई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सब अपने में आपको कैसा लगा पेपर ठीक ठाक इधर आ जाओ इस साइड आ जाइए भाई इन्हें थोड़ा छांव में ले लो बच्चों को पीछे हो जाओ हाँ लेकिन मेरे दो तीन क्वेश्चन छूट गए और ये पेपर छूट गया इनका यार पेपर तो बच्चे बता रहे हो गया पूरा हाँ लेकिन मैं लिखने में लग गई क्यों छूटा आपका पेपर क्योंकि मैं अनसीन पैसेज पहले कर लिया था कोई बात नहीं अभी आगे मेहनत करना टर्म फर्स्ट में कितने मेरे 32 आए 34 आपका कैसा पेपर सर पेपर तो बहुत ईजी आया था मतलब जैसा सोचा था उससे तो ईजी ही है लेकिन काफी बच्चों का पेपर छूट गया इस बार कई बच्चों ने बताया मुझे लेंथी पेपर है आपका भी छूटा है आगे जाओ पेपर क्यों छूटा आपका सर क्या कहते हैं वो बड़ा था सर इजी था पर क्या कहते हैं आंसर बड़े बड़े लिखने थे तो इसलिए छूट अच्छा आप में से टर्म फर्स्ट में परसेंटेज कितनी कितनी आपकी सर 36 टोटल परसेंटेज सर 40 में से 36 आया 81% अभी सर अगला पेपर कौन सा आपका कब 5 इसी 5 को हां तो भाई तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है यार एक हफ्ता तैयारी होगी आपकी सबसे ज्यादा इजी में आपके आओ बच्चों इधर आओ सबसे ज्यादा इजी में आ जाओ थोड़ी दूर इधर खड़े हो जाओ कंप्यूटर में कम है टाइम आ जी आ जी हमारे साथ पेरेंट भी हैं और ये बच्चों को अपने हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं बेटा कैसा पेपर हुआ पेपर बहुत अच्छा था बढ़िया हुआ लेंथी पेपर था लेकिन इजी था अच्छा इनका पेपर छूट गया है आपका छूटा है ना आपका आपका पूरा हो गया नहीं दो क्वेश्चन छूट गए दो क्वेश्चन छूटे इनके भी आपका मेरा पूरा हो गया मेरा भी पूरा हो गया पूरा हो गया आपका पूरा हो गया एक एक अनुराग सर हाँ अनुराग सर कैसा हुआ पेपर पेपर अच्छा ही हुआ है पूरा फोड़ दिया हाँ पूरा फोड़ दिया बस लास्ट का क्वेश्चन छूट गया था वरना हाँ आसान ही था बहुत आसान था अच्छा गया पेपर नाम बताओ श्रेय नाम बताओ अस्मित अखिल अच्छा हमारा चैनल है एक वैसे तो अनुराग दे क्लासेस है बट ATC फाउंडेशन चैनल है जिसपे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा 3 दिन तक 10th क्लास का बेसिक एडवांस दोनों आपके पास बेसिक है मैथ्स एडवांस है हाँ बेसिक वाला कौन कौन है एक बेसिक वाला दो तीन चार बेसिक तो 2 दिन पढ़ाऊंगा मैं बेसिक और 3 दिन पढ़ाऊंगा एडवांस चैनल का नाम है ATC फाउंडेशन वहाँ पढ़ लेना ठीक है फ्री सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो बताऊंगा मैं सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा ये बताओ जो बच्चे आएंगे मैथ्स का पेपर देने क्योंकि आपकी वीडियो आएगी एग्जाम जानकारी चैनल पर जो कि बड़ा चैनल है लाखों लोग देखेंगे आपको तो उनको क्या सलाह दोगे क्या ध्यान दें मैथ्स के पेपर में क्या ध्यान रखें गड़बड़ ना हो कि जो मतलब लेंथी क्वेश्चन है वो पहले कर ले जो छोटे क्वेश्चन है वो बाद में करें सारे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए सारे क्वेश्चन पेपर छोड़ के नहीं आना चाहिए यस सर चीटिंग पे ध्यान बहुत कम दे जो आता है वो लिखे टाइम नहीं बचेगा चीटिंग हो रही है क्या सर थोड़ी बहुत आपस में पूछ रहे हैं बच्चे या पर्ची वर्ची ला रहे हैं पर्ची नो सर सर हमारी क्लास में तो बिल्कुल नहीं हुई टीचर्स मतलब 4 बार आके देख रही है नीचे देख रही है बॉक्स चेक कर रही है आपकी चेकिंग हुई फ्रिस्किंग हुई चेकिंग हुई आपकी आपकी पैंट वैंट चेक करी गई जेब में और सर ट्रांसपेरेंट बोतल सबके पास है बोतल दिखाना अपनी अपनी नहीं ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते सैनिटाइजर लाओ उन्होंने दिया था सैनिटाइजर नहीं दिया स्कूल ने हाँ बाहर होगा सबको फ्राई देंगे स्कूल को हर बच्चे के लिए 5 रुपये डेली मिलते हैं सैनिटाइजर के लिए हर बच्चे का 5 रुपये एक डेली के तो आप सैनिटाइजर डिमांड कर सकते हो उनसे और कुछ कहना चाहते हो CBSE को पेपर के बारे में पेपर इजी था हमारी वीडियो CBSE भी देखती है तो अगर कोई आप जैसा पेपर इंग्लिश का बना है वैसा इतना ही इजी अगर मैथ्स का है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैथ्स का पेपर इंग्लिश जैसा इजी कभी नहीं आएगा आपको पता है बात मैथ्स थोड़ा ट्रिकी होता है कोई सलाह देना चाहता है कुछ बैसला कौन है बैसला हाँ भाई सलाह तो क्या कर रहा है सर चेकिंग इजी करना अगर CBSE देख रही है तो चेकिंग इजी करवाने के लिए आप सब मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए ट्विटर पर मेरा प्रोफाइल है द अनुराग त्यागी हम इसके लिए ड्राइव चलाएंगे पेपर इजी चेक हो मैं भी खुद चेकिंग में जाता हूँ पर मैं 12th की कॉपी चेक करता हूँ कितने बच्चे जाते हैं कॉपी इजी चेक हो हाथ खड़ा कर तो सारे एक बार अपने दोस्तों को बोल दो ऑल द बेस्ट चलो मिलते हैं फिर मैथ्स के पेपर में ठीक है ऑल द बेस्ट हम और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे आपका नाम बताइए एग्नेस
अर्नस एग्नेस पॉल बड़ा अच्छा नाम है आपका नाम एलेक्स एलेक्स देव बहुत सुंदर नाम है दोनों बच्चों के देव तो खैर है ही है अच्छा कौन से स्कूल के बच्चे हो आप सेंट मैरी स्टेशन स्कूल सेंट मैरी आप भी सेंट मैरी अच्छा पेपर कैसा था इजी मीडियम टफ इजी इजी या फुल इजी इजी था लेकिन बस 8 मार्क्स का छूट गया क्योंकि टाइम कम अच्छा बहुत बच्चों ने बोला कि पेपर छूट गया उनका ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चे लाइक वो थोड़ा अपना एडमिट कार्ड दिखाओ मुझे मैं आपका नाम पढ़ना चाहता हूं एक बार आपका नाम है कैंडिडेट एग्नेस है अच्छा एग्नेस आपने बाइबल से नाम लिया है अपना तो पेपर इजी था मतलब लेंथी था क्या पेपर ये नो एक्चुअली वो सबका अपना अपना करने का वे होता है लाइक जो सबसे पहले अपना कॉम्प्रिहेंशन करेगा उसको टाइम थोड़ा लेट लगेगा हेलो बच्चों एक मिनट आओ आइए आइए हम एग्जाम जानकारी चैनल से इधर आइए हमने आपके पेपर कैंसिल करवाए थे लास्ट ईयर लेकिन मैं इजी चेकिंग के लिए लड़ाई लड़ूंगा अब आपके लिए अच्छा वापस है हाँ तो इस बार कैसा था कि राइटिंग की जो एबिलिटी थी टाइम की स्पीड की जितनी वो कम हो गई अब काफी तो इस वजह से लेंथी वाला जो लड़का आपके पापा का वो छोड़ गया पापा है मेरे प्राइम होंडा में जॉब करते हैं यू आर अ जीनियस इस बार क्या हुआ यू आर अ जीनियस क्योंकि आप क्या कहते हैं बच्चों के पेपर छूट गया पेपर या पूरा कर दिया पेपर तो पूरा करा पर आप स्वामी हो ना शाम पेपर तो पूरा करा तो मैम भी आई थी मैम और सर दोनों बात कर रहे थे पीछे अपना बच्चा कुछ नहीं करता रहे मैं सर बात कर रहे थे पीछे बैठ गए क्या कर रहे थे बात ये नहीं सुनाई थी बात तो सुन लेते हैं उनकी सुनाई नहीं थी दोनों पीछे बैठ के बात कर रहे टीचर बच्चे कुछ नहीं कर रहे फोन चीटिंग करी हमने तो वहां पे एग्जाम करते हैं टीचर की बातें थोड़ी ना सुनते हो आप बैठ लेकिन थोड़ी कानों में आई हो क्या बात थोड़ी बहुत कानों में स्कूल के बारे में बात कर रहे थे बुराई कर रहे थे स्कूल की नहीं नहीं बात कर रहे तो बच्चों ने फुल चीटिंग करी पूरी क्लास में कौन से रूम में थे आप 13 चलो कोई नहीं सर हमें मिलना चाहिए अगली बार से ये बात सही उन्होंने बच्चों कुछ नहीं कहा कुछ रूम में चीटिंग हुई ये जो बच्चों के पेपर छूट रहे इसका रीजन क्या है पेपर भी छूट रहा है बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है ढंग से लिखने की डेटा वो नहीं है ना प्रैक्टिस नहीं है क्लास 12th अभी आपका पेपर होगा है ना तो आपका पेपर कब है मेरा 6th को सोशियोलॉजी तो ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि पेपर बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस छूट गई क्या आपने एग्जाम देने से पहले कुछ प्रैक्टिस करी थी लिखने की यस थोड़े एग्जांपल पेपर सॉल्व किए थे हां जी एक दो करे थे अब आपका मैथ्स का पेपर है तो एटीसी फाउंडेशन चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा 4 दिन तक मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो और ये वीडियो आएगी आपकी एग्जाम जानकारी चैनल पर अब आप पढ़ो मैथ्स का पेपर है फिर उसके साइंस का कब है और उसके एसएसटी एसएसटी का 14 तो आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है मैं साइंस एसएसटी मैं वैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो एटीसी फाउंडेशन चैनल पर मैं तो साइंस पढ़ाऊंगा मैं उन क्लास को छोड़ना मत उसी में से पेपर आएगा आपको एटीसी फाउंडेशन देख लो अभी ठीक है बच्चों हाँ भाई आपका नाम बताइए जांगला सक्षम चौधरी है आपका नाम मनमीत चौधरी अरमान सिंह कौन कौन से स्कूल के बच्चे आप स्वामी सेंट मैरी अच्छा आपको सबसे अच्छा स्कूल कौन सा लगता है इस इलाके में सेंट मैरी प्रिंसिपल का नाम आशु जॉन हाँ आप अभी सेंट मैरी से ही हो हाँ जी तो आपको अपना स्कूल अच्छा क्यों लगता है फैसिलिटीज क्या क्या बहुत कुछ जैसे कि एसी स्मार्ट बोर्ड टीचर हाँ टीचर टीचर अच्छे हैं हाँ बढ़िया एकदम आपको कैसा लगा स्कूल अपना बहुत बढ़िया लगता है कितनी जाती है महीने की फीस 9000 एक महीने की हाँ अब 11 की 9000 है अब 10000 है मेरी ₹10,000 महीना फीस है तो भाई फैसिलिटी तो होंगी फिर एसी चलता है क्लासरूम में पूरे टाइम दो अच्छी बात है सेंट मेरी में एक क्लास में 2 एसी हैं तो अच्छा बताओ पेपर लेंथी था आज का नहीं नहीं बहुत ईजी था कुछ बच्चे कह रहे हैं उनका छूट गया पेपर अरे वो तो ऐसी है फिर पूरा करा है 100 मिनट में कर दिया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वेरी नाइस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी अभी मैं घर जाके पढ़ूंगा पेपर चलो फिर ठीक है बच्चों ऑल द बेस्ट